मिथुमो लिमिटेड एज अ टू ब्रांचेज, एक सेकेंड, तो ये दो ब्रांच वाला पहले अभी नहीं। क्वेश्चन 24 देखो पहला, क्वेश्चन 24, दिल्ली हडपी सप्लाई द गुड्स टू इट्स ब्रांच कानपुर एट अ इनवाइस प्राइस विच इज द कॉस्ट प्लस 50%, कॉस्ट प्लस 50%, ऑल द कैश रिसीव बाय ब्रांच इज रेमिटेड टू दिल्ली एंड ऑल ब्रांच एक्सपेंस आर पेड बाय द एचओ। जो भी पैसे आता है ब्रांच का वो एचओ को देता है और एचओ जो भी खर्चा है ब्रांच का खर्चा वो सब पे करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू कानपुर ब्रांच प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, डेटा अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स हेड ऑफिस। अब उन्होंने बोल दिया वो चार अकाउंट बनाने के लिए और आगे बोला है अब द हेड ऑफिस एज टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट भी बोला है तो हम लोग को ब्रांच प्रॉफिट लॉस भी बनानी पड़ेगा। तो स्टॉक ऑन ब्रांच ऑन 1st January दैट इज ओपन स्टॉक बट एट इनवाइस प्राइस बिकॉज द डेटा द पेटी कैश एक्सपेंसेस गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ एट इनवाइस प्राइस गुड्स रिटर्न टू एचओ देन रिटर्न दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स लेस रिटर्न क्रेडिट सेल लेस रिटर्न तो वो रिटर्न माइनस करके दे दिया है यानी नेट सेल दिया है तब रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। क्रेडिट से लेस रिटर्न मतलब रिटर्न ऑटोमेटिकली रिटर्न लेस कर दिया है तो हम लोग खाली क्रेडिट से एंट्री पास करेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर जैसे कलेक्शन फ्रॉम डेटर वी गॉट द डिस्काउंट अलाउड टू डेटर एक्सपेंस से ब्रेकेट क्या दिया है कैश पेड बाय एचओ तो रेंट सैलरी पेडी कैश ये सब के लिए पेमेंट कौन कर रहा है एचओ। वी गॉट द कैश सेल देन क्या दिया स्टॉक विद द ब्रांच दैट इज ऑन 31st December क्लोजिंग पेटी कैश भी दिया। अब उधर स्टार्टिंग में दिया तो ओपनिंग स्टॉक था ओपनिंग डेटर था ओपनिंग पेटी कैश था और क्लोजिंग में क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग पेटी कैश है क्लोजिंग डेटर गायब है तो डेटर का मिसिंग बैलेंस आ जाएगा। बट इस समय इनवाइस प्राइस वाला तो एक एक्स्ट्रा अकाउंट आएगा इसके अंदर कौन सा धन्यवाद ज़्यादा लोग दिमाग पे प्रेशर ना ले पागल हो जाएंगे पास करें। दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द 5 अकाउंट दे हैव ऑलरेडी ऑल द 4 अकाउंट ब्रांच स्टॉक ब्रांच डेटर ब्रांच एक्सपेंस और ब्रांच एडजस्टमेंट उन्होंने बोला था एक मैंने जनरल प्रॉफिट में बनाया बिकॉज नेट प्रॉफिट चाहिए और उन्होंने क्या क्या नहीं बनाया एचओ कैश नहीं बनाया ब्रांच कैश नहीं बनाया और एक कौन सा नहीं बनाया गुड्स एंड ब्रांच तो सब नहीं बोला तो नहीं बनाएंगे। हाँ मैं बोला मैडम ब्रांच कैश एचओ कैश और गुड्स एंड ब्रांच तीन अकाउंट नहीं बनाया तीन और पाँच चार हो गया नाल में सात होता तो और एक एक्स्ट्रा बढ़ गया आठ। चलिए तो जब भी इनवाइस का दिया तो पहले हमको इनवाइस का सब लोडिंग करना पड़े पहले तो पहले वर्किंग नोट कॉस्ट प्लस लोडिंग कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवाइस प्राइस। चलो मैं आगे तो 100 कॉस्ट है लोडिंग 50 इनवाइस प्राइस 150 तो कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवाइस प्राइस
अब क्या क्या दिया था अपने को, पहला ओपनिंग स्टॉक दिया था, ओपनिंग स्टॉक का कितना है 60,000 है, 60,000 क्या करेंगे 50/150 20,000 ये आ गया लोडिंग। उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,86,000 50/150 62,000 फिर रिटर्न भी है, गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न। अब रिटर्न की तो दिया नहीं कि इनवाइस प्राइस पे भी क्या, एक ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया था, दिल्ली हेड ऑफिस सप्लाई गुड्स टू इट्स ब्रांच एट अ इनवाइस प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 50%। एचओ अपने ब्रांच को इनवाइस प्राइस पे गुड सप्लाई करता है, वो पहले बोल दिया इनवाइस प्राइस सप्लाई करता, तो इसका तो इनवाइस प्राइस ही रहेगा, तो गुड्स रिटर्न कुछ नहीं बोला तो भी इनवाइस प्राइस ही लेना है 50/150। चलो 4,333 आ गया। और एक है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक 54,000 का, ये आ गया पहले लोडिंग का साथ। अब आ देखना है, अभी तक हम पहला मेथड में करते थे तो एंट्री इधर पास किया उसका लोडिंग अपोजिट साइड, एंट्री इधर पास किया उसका लोडिंग अपोजिट साइड, अभी भी साइड अपोजिट रहेगा बट अकाउंट अलग रहेगा। गुड सेंट यहाँ लिखा तो उसका लोडिंग इधर नहीं, ये वाले अकाउंट में आएगा, कैसा कर देखते हैं। चलो पहला स्टॉक दिया ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 60,000 इनवाइस प्राइस, तो हमने उसका लोडिंग इधर लिखे थे, अब कल इधर नहीं लिखने का, कल अकाउंट में साइड क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही करना है और ब्रांच एडजस्टमेंट में बाय स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व लोडिंग 20,000। डेबिट था तो उसका क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में क्या लिखी खाली लोडिंग के लिए स्पेशल अकाउंट कौन सा एडजस्टमेंट, वैसे अगर मैं इंट्री स्टार्ट किया तो उसका लोडिंग इधर रहेगा, तो आप इस पर नहीं लिख रहे हैं इस साइड से, ये वाले अकाउंट में। देन ए ब्रांच डेटर ऑन द ओपनिंग बैलेंस, ब्रांच डेटर 12,000। देन ए पेटी कैश 100 rupees, अब पेटी कैश के लिए मैंने अकाउंट ड्रॉ नहीं किया, यू कैन ड्रॉ द पेटी कैश का अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट उसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रोक डाउन कितना रुपये है 100 rupees, देन क्या है गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच इनवाइस प्राइस पे अमाउंट है 1,86,000। स्टॉक टू गुड्स सेंट ये गया इनवाइस, और उसका लोडिंग ऑन द अपोजिट साइड, बड़ा अपोजिट साइड इधर नहीं इसके अंदर, क्या लिखते थे उसके लोडर तो सेम ही लिखते थे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग। तो लोडिंग का जो भी पॉइंट है जैसा करते तो वैसे ही है, अपोजिट है, लेकिन खाली अकाउंट स्पेशली है ब्रांच एडजस्टमेंट के अंदर, इसके अंदर खाली लोडिंग का आइटम आएगा। फिर क्या दिया हुआ है
goods return, goods return, goods आ रहा है तो इसका एचओ ने goods दिया तो stock to goods send था, अब एचओ को मैं वापस दे रहा हूँ goods send तो opposite जाएगा by goods send branch invoice 13,000। अब ये साइड है तो इसका लोडिंग आएगा अपोजिट साइड टू गुड सेंड टू ब्रांच रिटर्न पे लोडिंग अमाउंट है 433। तो गुड्स आया था तो स्टॉक टू गुड सेंड, रिटर्न गया तो गुड सेंड टू स्टॉक और उसका लोडिंग अपोजिट साइड। देन दिया हुआ है क्रेडिट सेल लेस रिटर्न, क्रेडिट सेल्स गुड सोल्ड क्या तो डेटर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अमाउंट है 86,000 क्रेडिट सेल्स डेटर टू स्टॉक, स्टॉक में बाय डेटर बाय ब्रांच डेटर क्या है। फिर क्या था कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, पैसा आया तो पैसा आया तो पेडी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर कितना है 90,000। तो पेडी कैश टू डेटर डेटर बाय ब्रांच कैश फिर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू एक्सपेंस है बिजनेस एक्सपेंस टू डेटर इसमें आ रहा है बिजनेस एक्सपेंस टू डेटर क्या क्या उसके अंदर है डिस्काउंट खरीदी है डिस्काउंट अलाउड बैड ड्यूटर्स कुछ है नहीं एक्सपेंस टू डिस्काउंट बाय डिस्काउंट अलाउड 2400 ये सब नॉर्मल था खाली बस लोडिंग का जो काम है वो बढ़ेगा बस बाकी जो था वैसे ही है। फिर एक्सपेंसेस सब दिया हुआ है फोन पे क्या एचओ ने तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ कैश, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ कैश। क्या क्या पे क्या रेंट के लिए 1,000 रुपये रेंट के लिए 2400 सैलरी एंड पेडी कैश एक्सपेंस टू एचओ कैश तो सेकेंड पे एचओ ना आएगा बट एचओ कैश हमने ड्रॉ नहीं किए मिसिंग ना उसका स्पेक्ट हो गया रहेगा फॉरगेट इसके अकाउंट नहीं ड्रॉ किए तो जब ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ऐसे भी सबको ज़्यादा मतलब नहीं करने वाला है डोंट गिव इफेक्ट। फिर क्या है कैश सेल्स तो पैसे आया और स्टॉक गया तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अमाउंट है 1,04,000 ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक बाय ब्रांच कैश सेल्स अमाउंट 1,04,000। फिर क्या दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 54,000। अभी इनवाइस प्राइस पे इसका लोडिंग अपोजिट आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट टू बट स्टॉक के ऊपर क्या लिखते वर्ड स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक रिजर्व वर्ड यूज करते हैं स्टॉक रिजर्व वर्ड यूज करते हैं क्रेडिट का तो डेबिट साइड डेबिट साइड डालना है
क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग कितना था 18,000 तो क्या क्या बना था, दो इस जगह इनवाइस है उसका लोडिंग इस तरह आया, ये दो इनवाइस प्राइस क्रेडिट चार्ज उसका लोडिंग दोनों डेबिट चार्ज है बस। तो नॉर्मल समय हम लोग लोडिंग उसी अकाउंट में अपोजिट कर देंगे, और इसके लिए स्पेशल अकाउंट बन गया एडजस्टमेंट का उसके अंदर लोडिंग करने, बाकी साइड अपोजिट वैसे रहेगा। फिर क्या दिया है, पेटी कैश दिया है 100 रुपये बस, और कुछ है कुछ नहीं। रेमिटेंस दिया है नहीं दिया है, अभी जो पेटी कैश में जो बैलेंस आएगा पूरा क्या जाएगा, चुप जाएगा, पेटी कैश में जो भी पैसा आया है वो सब एचुप चले जाएगा। यूज कर दो इसको 1,94,100 बाय। ब्रांच क्या बोलते हैं, सॉरी क्या जाएगा, कहाँ जाएगा पैसा, एच ओ कैश को जाएगा, ये पैसा एच ओ कैश को जाएगा रेमिटेंस। अब इसका सेकेंड पे डालने जो नहीं अकाउंट ड्रॉ नहीं किया हमने, टारगेट चलो बाकी क्लोज करते हैं। नॉर्मल सब में इसमें क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस यहाँ से मिलता था, ठीक है एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस नहीं आएगा, क्या आएगा धन्यवाद। चलो देखते भाई क्या आएगा, मैं मशीन का आ गया 13,086,000 104,000 और 54,257 11,000 आ गया। आप कुछ बचा है नहीं ना, कस्टमर ने कितना रिटर्न किया, अच्छा तो रिटर्न लेस करके दे दिया राइट, इसका मतलब हो गया स्टॉक गेन डेबिट चार्ज और स्टॉक गेन, और इसका इफेक्ट ब्रांच एडजस्टमेंट में आता है, स्टॉक गेन अकाउंट डेबिट ब्रांच एडजस्टमेंट लिखा था ब्रांच एडजस्टमेंट ऑपरेटिव विद इन स्टॉक गेन, स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट, स्टॉक वाले ब्रांच एडजस्टमेंट तो ब्रांच एडजस्टमेंट बाय स्टॉक क्या। अब इसको क्लोज कर दो 1893 ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो जब ये नहीं आता था तो ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से आता था, ठीक है एडजस्टमेंट बन गया तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से आएगा, बाद में ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट उधर आना है कॉमर्स में। इसको क्लोज कर देते हैं 98 इसको क्लोज कर दो 29,800 अब इसको क्या डाल देंगे जनरल प्रॉफिट लॉस, ब्रांच एक्सपेंस 29,800 और एक कौन सा आइटम जाएगा, एक ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट
70,667. Minus 29,867. To net profit करेगा. तो बाप कहाँ दिया है? तो सब उसी का नहीं करना है, हमें बस ज़्यादा कि लोडिंग का अपोजिट साइड करना है. लोडिंग का अपोजिट साइड भी रख दो, लोडिंग का अपोजिट बस कितना. उसके बाद जो नॉर्मल सब में ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से आता था, अब ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा. उधर कुछ बैलेंस आया तो ब्रांच गेन स्टॉक गेन के लिए या स्टॉक शॉर्टेज, स्टॉक गेन बोले शॉर्टेज का इफेक्ट आने वाला सेकंड में इसके अंदर लगेगा. ब्रांच स्टॉक तो ब्रांच एडजस्टमेंट, अगर स्टॉक गेन था तो बाय ब्रांच स्टॉक, स्टॉक गेन बस. एक ग्रॉस प्रॉफिट आया था ट्रांसफर टू प्रॉफिट अकाउंट. ब्रांच डेटर में चार आइटम नॉर्मली ओपनिंग, उसके बाद क्या होता हम लोग क्रेडिट सेल्स कलेक्शन क्लोजिंग, तो चार में से एक आइटम मिसिंग था, बैलेंस आ गया. पेटी कैश में जो पैसा आएगा पूरा एचओ को जाएगा, हमने एचओ अकाउंट ड्रॉ नहीं किया है, भर गया. ब्रांच एक्सपेंस तो डिस्काउंट हो गया, बाकी सब एक्सपेंस है. गेटर ग्रॉस ये जो एक्सपेंस का टोटल अमाउंट पॉपुलर एंड फाइनली नेट प्रॉफिट. आज कीजिए मैडम.